नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कल कौन से स्टॉक्स पे यानी कि मंडे को हमें कौन से स्टॉक्स पे ट्रेड लेना है, प्लस निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या सिनेरियो रह सकता है। जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट पे बहुत ज़्यादा वीकनेस हमें देखने को मिल रही है, एक शार्प फॉल हम लोग देख रहे हैं मार्केट में कंटिन्यूसली दो दिन से, तो अब हमें किस तरीके से ट्रेड लेना चाहिए, किस तरीके से अपनी पोजीशन को मेंटेन करना चाहिए और इंट्राडे में कम प्रॉफिट के साथ हम लोग निकले, ट्रेड लिए बट कम प्रॉफिट के साथ निकले। ज़्यादा प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन इस वॉलेटाइल मार्केट पे आप लोग मत करिएगा, ठीक है। और प्लीज़ आप लोग इसमें अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखिए। हाँ, बहुत लोगों के स्टॉप लॉस ज़रूर हिट होंगे बट आप लोगों को वहाँ से एग्जिट ज़रूर करना होगा, क्योंकि अभी भी मार्केट की मूवमेंट डिसाइड नहीं हुई है, तो मार्केट होने को और ज़्यादा गिर सकती है। बट अगर आपके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं तो वहाँ से निकलिए। अगर आप सोच रहे हैं कि 2000-3000 का स्टॉप लॉस हो रहा है, मैं नहीं निकलता, मैं होल्ड कर लेता हूँ, तो हो सकता है कि वो 2000 का लॉस आपका 20000 का भी हो जाए। तो ये मत सोच के करा करिए कि अगर मुझे लॉस हो रहा है तो मैं लॉस में कभी भी नहीं बेचूंगा, मुझे होल्ड ही करना है, ये कभी ना कभी तो ऊपर जाएगा। ऐसी कभी भी अपनी इंटेंशन मत रखा करिए, लॉस बुक करिए। जब दोबारा आपको उस ट्रेड में री एंटर करने का मौका मिले तो हैवी क्वांटिटीज के साथ ट्रेड करिए, बट लॉस बुक करना सीखिए अगर आपको होते हैं। सबसे पहला स्टॉक जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो है मुथूट फाइनेंस। सेल करने की सलाह दूंगा मैं आप लोगों को, इसके पीछे का लॉजिक बता देता हूं। देख सकते हैं कि एक हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बना है यहां पे, ये देख सकते हैं इस तरीके का कुछ पैटर्न बना है। सो ये लेवल जब ब्रेक होगा, ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होगी तब हम लोग एक फॉल देख सकते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि इस फॉल पे, इस लेवल पे ये जाके हॉल्ट करा है, जो कि इसके लेवल यहाँ पर आप देख रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार और क्लियर व्यू से, ये देख सकते हैं एक हेड एंड शोल्डर टाइप फॉर्मेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि ये लेवल अभी हॉल्ट कर रहा है, तो जब ये लेवल ब्रेक होगा तब हमें यहाँ पर शॉर्ट इनिशिएट करना है। हमारे टारगेट्स कुछ लोअर साइड में होंगे। अगर मार्केट वीक रहती है तो प्रॉबेबली ये 1000 तक के लेवल्स तक भी आ सकता है, तो इसको हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, बट हमें वेट करना है जब तक एक ब्रेक नहीं करता है। दूसरी बात, और इसमें शॉर्ट करने का रीज़न क्यों था, हो सकता है यहाँ से एक अपमूव भी दे दे, बट रीज़न ये था, आप देख सकते हैं फर्स्ट हाई ये बना और बॉटम ये बना, ठीक है। फिर सेकेंड हाई ये बना बट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, नीचे आया, अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर पाया, दोबारा मूव स्टार्ट करी और दोबारा प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, अगर आप ऐसे एक ट्रेंड लाइन बनाए, और इस बार अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर चुका है, ठीक है। तो अभी ये वाला जो लेवल है, ये लेवल आप देख रहे हैं, ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग टाइट मुथूट फाइनेंस में फ्रेश बाय पोजीशन बनाना भी चाहते हैं फॉर अ स्विंग ट्रेड और किसी भी पर्पस से इंट्राडे को छोड़ के, तो आप लोग इस लेवल के ऊपर जब कैंडल क्लोज होती है तो आप लोग बाय एक इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी के लिए ये शॉर्ट है क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस है, और आप देख सकते हैं जो ये एक सब स्विंग था, स्विंग लो था, वहीं पर ही इसने हॉल्ट करा है। जो ये लो है और ये लो है एग्जैक्ट आसपास ही है। सो जैसे ये लेवल ब्रेक होता है हम एक शार्प फॉल नीचे की तरफ देख सकते हैं। सो एक क्लियरली शॉर्ट है, अगर बाय की तरफ जाता है तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, बट शॉर्ट में अगर मिलता है तो हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक आता है DLF। DLF शॉर्ट करने की मैं सलाह दूंगा, आप देख सकते हैं इस पर भी कुछ एक हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बना है, ये देख सकते हैं, और इसका एक नीचे ब्रेकडाउन हो चुका है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ये इसका एक रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है। जब ये रेजिस्टेंस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करा तो फर्स्ट टाइम सपोर्ट, सेकेंड टाइम सपोर्ट, थर्ड टाइम सपोर्ट एंड फोर्थ टाइम सपोर्ट पे ब्रेक कर चुका है। तो मैंने आप लोगों को कहा रखा है कि हमें सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम रीटेस्ट पे बाय करना होता है, और थर्ड टाइम फोर्थ टाइम पे हम इग्नोर करते हैं जब तक कोई बढ़िया प्राइस एक्शन नहीं बनता है या हम लोगों को कुछ ऐसा लगता है कि वो दोबारा आप मूव दे सके, ठीक है। तो हम लोगों ने दो बार में बाय बना लिया, बट थर्ड या फोर्थ टाइम में हम लोगों ने बाय नहीं बनाना होता, बट अब ब्रेक कर चुका है। ये 35 की EMA की एक इंपॉर्टेंट लेवल है, बट इसको भी जनरली फॉलो नहीं करता DLF, तो हमें इसमें ज़्यादा इग्नोर मार सकते हैं इस पर्टिकुलर EMA को। तो इसे हम लोग क्लियरली शॉर्ट कर सकते हैं अराउंड 154 के नीचे, और हमें 149 तक के लेवल्स आराम से मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए एक शॉर्ट कैंडिडेट है। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो वो है अपोलो ट्यूब्स। ये मैंने आप लोगों को एक स्विंग ट्रेड दिया था, आप लोगों को याद होगा चार्ट ऑफ द वीक पे अराउंड इस लेवल पे मैंने आप लोगों को बाय की सलाह दी थी। हमारा ये टारगेट था जो कि मीट कर गया था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये दोबारा हमारे लिए एक बाय सिग्नल जनरेट कर रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, हमें इतने पोर्शन की ही ज़रूरत है। आप देखिएगा कि ये वाला जो एक रेजिस्टेंस था,
ये रेजिस्टेंस के अंदर ही काम कर रहा था। जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद अब ये हमारे लिए सपोर्ट बनना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, ऊपर गया, सेकंड टाइम सपोर्ट ले रहा है, अब दोबारा ऊपर जा रहा है। अब हम देख रहे हैं मल्टीपल यहाँ पर विक्स बनी हुई, विक बनी हुई है, कोई भी बॉडी की क्लोजिंग हमें देखने को नहीं मिल रही है 5-6 दिन से ऊपर की साइड में। तो अगर ये 2405 का लेवल ब्रेक करता है तो हम लोग एक मूवमेंट देख सकते हैं अपोलो ट्यूब्स के अंदर, तो इस पर हम लोग एक बाय का सिग्नल लेकर चल सकते हैं। अगर कल मार्केट जिस तरीके से दिखा रहा है कि गैप डाउन हो सकती है तो वॉच का वेट करिएगा, अगर ये दोबारा 2405 के ऊपर निकलता है तब हम लोग एक बाय इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं स्टॉक जो लेवल नहीं प्रोवाइड करवाते। आप अगर मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे लिखा कि आपको 2405 पे बाय बनाना है इसके ऊपर, और अगर ये 2403 जाता है तो आप लोग सोचते हैं कि अभी सस्ता मिल रहा है मैं बाय कर लेता हूँ, सर ने कहा है ऊपर तो जाएगा, और वो इवेंचुअली बहुत ज़्यादा नीचे आ जाता है, फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि आपका तो स्टॉक चला ही नहीं। हमारा स्टॉक चलेगा जब ये लेवल ब्रेक होगा अपसाइड में। ठीक है, तो ये थोड़ी चीज़ें आप अपनी मेंटेन कर रखिए, आप अपने पैसा लगा रहे हैं तो थोड़ी बहुत चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ उन्हें ध्यान से सुना करिए। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक गेल। गेल भी मैं बाय करने की ही सलाह दूंगा आप लोगों को। यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी ये हायर हाइज बना रहा है। ठीक है, ये जो भी इसका प्रीवियस था, इस प्रीवियस के नीचे इसने क्लोजिंग नहीं दी, यहां पर सिर्फ शैडोज हम लोगों ने को देखने को मिली, और तीन दिन से जब मार्केट गिर रही है तो ये 95 रुपीज़ से 98 रुपीज़ तक आ चुका है। तो मतलब मार्केट जब फॉल कर रही है तो हम देख रहे हैं कि ये पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो कल इस लेवल के ऊपर जो कि 98.5 या 98.3 है, एग्जैक्ट लेवल आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह अराउंड 8:30 बजे मैं अपलोड कर देता हूँ स्टॉक के लेवल्स, टारगेट और स्टॉप लॉसेस, आप जाके देख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन पे नीचे मेरा टेलीग्राम का लिंक है, आप जाके ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जैसे इस लेवल के ऊपर ये निकलेगा तो एक हम लोग बाइंग देख सकते हैं। छोटा सा ये हर्डल जो था मैं आप लोगों को बता दूँ, बस ये छोटा सा हर्डल है, इसके ऊपर एक अच्छी खासी बाइंग इनिशिएट हो सकती है। तो गेल और अपोलो ट्यूब्स हमारे लिए बाय है। नेक्स्ट स्टॉक आता है टाइटन। अब टाइटन भी मेरे लिए एक बाय कैंडिडेट पे है, इसके पीछे का मैं रीज़न बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखिएगा ये पर्टिकुलर स्टॉक ने एक अपमूव दिखाई, ये हॉल्ट करा, ठीक है, और उसके बाद हमने देखा एक ब्रेकआउट दे दिया, एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के साथ ब्रेकआउट दिया, बहुत अच्छी खासी मूवमेंट आई थी, और आप देख सकते हैं कि इसमें कोई गैप अप ओपन भी नहीं था, इस वाले मूवमेंट पे कोई गैप अप ओपन नहीं था, एक शार्प अच्छे से मूवमेंट आई थी। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, अपसाइड गया और एग्जैक्ट अपने बॉटम पे ही क्लोज करा है, लो पे कल के दिन। तो अब ये एग्जैक्ट इसी लेवल पे है, तो अगर कल थोड़ा सा डिप देता है और उसके बाद अगर रिकवर करके हमारे लेवल पे आता है जो कि लेवल आता है अराउंड 1163 का, तो इसके ऊपर हम लोग बाइंग इनिशिएट करेंगे। मैं चाहता हूँ कि एक बार ये डिप ले ले कल, अगर नीचे खुलती है कोई बात नहीं, दोबारा जब रिकवर होकर 1163 के ऊपर आती है तब हम लोग एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं बाय के लिए। शॉर्ट नहीं करना है, तो दो स्टॉक्स मैंने आप लोगों को शॉर्ट के लिए बताया जो कि था मुथूट फाइनेंस, DLF, 3 स्टॉक्स हमारे थे अपोलो ट्यूब, गेल और टाइटन बाय के लिए। ठीक है, मैं कह रहा हूं मुझे लगता है कि कल मार्केट रिकवर हो सकती है गैप डाउन के बाद, और होना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर वो कल की मार्केट रिकवर नहीं होती है तो फिर हम लोग एक नया सिनेरियो की तरफ बढ़ जाएंगे। मैं आप लोगों को एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट दिखा देता हूं। आप यहां पर देख सकते हैं कि मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है। यहां पर यह चीज क्या बता रही है, मैं इसका आपको लॉजिक बता देता हूं। ये देख सकते हैं कि जब एक मूवमेंट आई, नीचे आया, दोबारा नया हाई बनाया, ठीक है, और ये कंसिस्टेंट हाई बनाए, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने कोई भी नीचे, जैसे यहाँ पर हम लोग एक डिप देख लेते थे, इधर मूवमेंट आई हम लोगों ने एक डिप देख ली, इधर भी एक हमने डिप देख ली, तो यहाँ पर कोई भी डिप नहीं आई थी, कंसिस्टेंट मूव करते रहा। अगर यहाँ पर मैं एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये हमारा बॉटम था जहाँ से एक रैली स्टार्ट हुई, ठीक है, एक सेकेंड, ये मैंने फिबोनाची एक्सटेंशन का यूज करा है, हम फिबोनाची ले लेते हैं, या अब आप इधर देख सकते हैं अराउंड अपने 50% पे ट्रेड कर रहा है, अराउंड 50 पे। तो जब ये लेवल अगर टूटा, जो लेवल ऑब्वियसली ब्रेक हो ही चुका है, तो जो लेवल मैं आप लोगों को यहां आप नोट करवा रहा हूं उसमें ध्यान से देखिएगा, 11,320 का लेवल ब्रेक हुआ नीचे की साइड, तो ये 11,240 तक जा सकता है, ठीक है,
ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स की करेक्शन दिखा सकता है, तो इसको हम लोग एक बार शॉर्ट के लिए देख सकते हैं। मैं चाहूँगा कि अगर ये 180 रुपये नीचे ही खुलता है और एग्जैक्ट इसी लेवल पे आता है तो हम लोग एक बाइंग के मौके देख सकते हैं। लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, फिबोनाची हटा देता हूँ। आप देखिएगा, जब एक मूवमेंट आई, एक करेक्शन आई, जब दोबारा इसका ब्रेकआउट दिया जो हाई था, तो दोबारा ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर इसने फर्स्ट टाइम रीटेस्ट करा और नया हाई बनाया। जब नया हाई बनाया तो ये फिर इसका प्रीवियस हाई हो गया था, प्रीवियस हाई को ब्रेक करा, जब दोबारा रीटेस्ट करा तो यहाँ पर दोबारा एक नया हाई बना। अब नया हाई बनने के बाद इसको ब्रेक करा है ना, यही तो प्रीवियस हाई हुआ, तो ये प्रीवियस जो हाई आ रहा है ये आ रहा है 11,240 के आसपास, ठीक है। हो सकता है ये यहाँ पर एक बार रीटेस्ट करे और दोबारा नया हाई बनाने की कोशिश करे, ठीक है। तो इस बात को हम लोगों को ध्यान से देखना है, 11,240 के नीचे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए, और मैं तो कहूँ कि उसके बाद एक रिकवरी आना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक और लॉजिक समझिएगा कि अगर मैं सिर्फ इतने टाइम फ्रेम की बात करूँ, जो शॉर्टर टाइम फ्रेम है, तो आप देख सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग गिरावट आई, एक रिकवरी आई, प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाई, नीचे आई और प्रीवियस लो को ब्रेक कर चुकी है, ठीक है। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट हो गया है 11,380। मैं चाहूँगा कि अगर मार्केट में जितनी करेक्शन आनी है कल आ जाए, नहीं आती है ना आए, बट ये 11,380 के ऊपर क्लोजिंग कर जाए तो मैं बाय के लिए मौके ढूंढ सकता हूँ, वरना मैं बाय के लिए मौके नहीं ढूंढूंगा, ठीक है। और बैंक निफ्टी में तो मैं बाय ढूंढूंगा ही नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी तो अभी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होने वाला है, और इसने कुछ अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को ब्रेक करा ही था बेचारे ने, और उसके बाद दोबारा उसके नीचे जाके बंद हो चुका है। दिखाता हूँ मैं आप लोगों को वो लेवल्स, यहाँ पर आप देखिएगा कि ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करता था फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, बट यहाँ पर जब इसने ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद नया हाई बनाया, नया हाई बनाने के बाद अभी तक इसने रीटेस्ट नहीं करा था, क्योंकि एक बार रीटेस्ट करता है प्रॉबेबली फिर हम लोग बाइंग के लिए मौके सेलेक्ट करते हैं। तो हम लोगों ने देखा था वो दोबारा इसके नीचे जाके क्लोज हो गया। मैं अपनी हर वीडियो पे आप लोगों को कह रहा था 23,000 का लेवल, 23,300 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अब मैं क्या चाहता हूँ, क्या होना चाहिए, मुझे जिस तरीके से लगता है वो इम्पॉर्टेंट लेवल होना चाहिए, कि कल मार्केट अगर ऊपर खुलती है, नीचे खुलती है, जहाँ पर भी खुलती है, ये 23,300 के ऊपर बंद हो जाए या फिर इसके आसपास बंद हो जाए। ये 23,000 के नीचे बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये इस क्लोजिंग के नीचे बंद हो गई, जो आज की क्लोजिंग है, जो कि आप 23,000 एग्जैक्ट देख रहे हो, अगर इसके नीचे क्लोजिंग हो जाती है गाइस, तो हम लोगों को नेक्स्ट लेवल जो मिलने वाला है वो ये सपोर्ट है। बस ये देख रहे हैं फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम ये सपोर्ट है, और ये अराउंड अच्छे नीचे खासे नीचे लेवल पे आ रहा है। मैं अगर आप लोगों को दिखाऊँ ये कौन से लेवल पे आ रहा है, तो आप यहाँ देखिएगा ये आ रहा है 22,400, मतलब ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स की एक करेक्शन हम लोग देख सकते हैं। तो 22,400 का फिर इसका एक लेवल बन जाएगा जहाँ तक ये नीचे गिर सकता है, ठीक है। तो हम लोगों को वेट करना है 23,300 का, जब तक ऊपर क्रॉस नहीं करता हम लोग फ्रेश बाय पोजीशन नहीं इनिशिएट करेंगे, चाहे इस लेवल में मिले चाहे कहीं पर भी मिले, ठीक है। और निफ्टी में हम लोग इनिशिएट कर सकते हैं, एक बार रिस्क लेकर कर सकते हैं। अब मैं आपको लेवल बता देता हूं, अगर आप लोग 11,240 के आसपास बाय करने की सोचते हैं तो आप लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 11,170 का, ठीक है। 200 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो हो सकता है कि उससे भी छू दे, तो इसलिए हम लोग एक रिस्क के लिए 11,170 का स्टॉप लॉस लेंगे और फिर हम लोग ट्रेल करते रहेंगे। 11,380 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, उसके बाद हम लोग अगर आप दो लॉट लेते हैं तो यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं, सेकेंड लॉट को आप 240 का ही अपना स्टॉप लॉस मान के ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ही हमारी वीडियो एंड हो गई है, और अगर आप लोगों को वीडियो सब अच्छी लगी तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे 50,000 फैमिली मेंबर्स क्रॉस हो चुके हैं, और उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू अगर आप लोगों ने मेरी जो मदद करी 50,000 क्रॉस करने में। हम लोग इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे और प्रॉबेबली हम लोग 1,00,000 सब्सक्राइबर, 1,00,000 सब्सक्राइबर को भी बेसिकली क्रॉस कर जाएंगे। सो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो पे, मैं शिवाज भसीन साइनिंग ऑफ। एक इंपॉर्टेंट बात, मैंने एक स्विंग ट्रेड के लिए वीडियो अपलोड कर दी है, आप लोग उसको जाके वॉच कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं वीडियो शो कर रही है, या डिस्क्रिप्शन पे भी मैंने लिंक डाल दिया है, आप जाके क्लिक करके देख सकते हैं।